कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मोहब्बत का पैगाम लेकर जम्मू कश्मीर में चल रही है। इस दौरान भारत जोड़ो यात्रा के कई रंग देखने के लिए मिले, लेकिन राहुल गांधी का अंदाज सबसे जुदा है, जो कि सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुका है। कभी बच्चों से मुलाकात, कभी नेताओं से बात, कभी मशाल लेकर चलना तो कभी किसी को प्यार से गले लगाना, ये सब कुछ भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देखने के लिए मिला। राहुल गांधी एक हैं, लेकिन उनके अंदाज अनेक हैं, जो कि लगातार वायरल हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ का एक वीडियो आपको दिखाते हैं। इस वीडियो में एक माँ राहुल गांधी से ऐसे मिलती हैं जैसे किसी माँ को बिछड़ा हुआ बेटा मिल गया हो। राहुल गांधी से लिपटकर महिला रोती हैं, जिसके बाद राहुल गांधी उन्हें गले लगाते हैं। कांग्रेस ने भी इस महिला और राहुल गांधी की मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। ट्विटर और फेसबुक पर इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा, भावनाएं आंसुओं में उमड़ जाती है जब कोई अपना सा मिलता है। जम्मू कश्मीर की फिजाएं अपनेपन की नई इबादत लिख रही हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ था कि राहुल गांधी ने इस महिला को अपने पास बुलाया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच राहुल गांधी का कारवां आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि राहुल गांधी रुक गए। दरअसल एक महिला सड़क पर रो रही थी। राहुल गांधी की अचानक इस महिला पर नजर गई। महिला राहुल गांधी को भरे गले से आवाज दे रही थी, उनकी आंखों में आंसू थे। महिला को रोता देख राहुल गांधी ने उन्हें सुरक्षा के घेरे में अंदर बुलाया। इस दौरान महिला ने राहुल गांधी को शॉल उड़ाई और फिर उनसे लिपट कर रो पड़ी। महिला को राहुल गांधी ने ढांढस बंधाया और उनकी पूरी बात सुनी। इसके बाद राहुल गांधी पदयात्रा करते हुए आगे बढ़ गए। जम्मू के अलग अलग जिलों में यात्रा 26 जनवरी तक चलेगी, जबकि इसका समापन 30 जनवरी को कश्मीर में होगा। इन सबके बीच जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस ने अपना थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया है, जो कि एक डोगरी गीत है।